नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार और इस वक्त हम हैं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गढ़वा के श्री पंकज श्रीवास्तव जी के चैम्बर में, और हम आगामी 11 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में इनसे कुछ जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करेंगे आपका तलाश टीवी में। नमस्कार। यह पहले बताइए कि राष्ट्रीय लोक अदालत होता क्या है? लोक अदालत विषय तो अब लगभग सभी लोग जान चुके हैं, काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से हम लोग तीन काम करते हैं। पहला है कि लोगों को विधिक सहायता देते हैं, वकील देते हैं, कोर्ट फीस देते हैं, जो भी खर्चे होते हैं मुकदमे के देते हैं। दूसरा है कि हम लोग लोगों के बीच में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाते हैं। और तीसरा है कि लोक अदालत के माध्यम से हम लोग सुलह समझौता कराने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी होते हैं और प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी होते हैं, जो औपचारिक रूप से कोई केस का रूप नहीं ले पाया है लेकिन कहीं विवाद है तो उसमें भी हो सकता है। जो लंबित केस होते हैं उसमें सिविल और फौजदारी और दीवानी दोनों तरीके के मुकदमे होते हैं। जो फौजदारी मुकदमे होते हैं उसमें एक सीमा ये होती है कि जो सुलहनीय होते हैं उन्हीं को हम लोग इस लोक अदालत में लेते हैं। जी, सुलहनिया मामला से क्या अर्थ है, मतलब आप अपने क्या सब सुलहनिया मामला क्या होता है? जो हमारे प्रक्रिया अधिनियम है, दंड प्रक्रिया संहिता है, उसमें एक चार्ट दिया हुआ है कि किस तरह के मामले सुलहनीय हैं। और जो कम सजा के होते हैं, हल्के मुकदमे होते हैं, कहीं मारपीट का मुकदमा हो गया या कुछ इस तरह से हो गया, तो उसमें भी अलग अलग स्तर के रहते हैं, तो वैसे मुकदमे सुलहनीय होते हैं। और कुछ होते हैं कि न्यायालय की अनुमति से होते हैं और कुछ ऐसे जो पार्टी का अधिकार होता है कि हाँ हम सुलह कर सकते हैं, तो उसमें ऐसे समझ लीजिए कि जिसमें 2 साल तक की सजा होती है अमूमन वैसे मुकदमे सुलहनीय होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दीजिए कि किस तरह का चीज़, जैसे कुछ उस तरह का उदाहरण दीजिए जो इस तरह का केसेस को सुलहनीय में किया जाएगा। जैसे कि छोटे मोटे चोरी के भी केसेस होते हैं, उस वो भी सुलहनीय होते हैं। किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया है और बाद में मेल मिलाप हो जाता है, तो वैसे भी है कि जिसको मार लगी है वो बोलता है कि नहीं मैंने माफ़ कर दिया है, तो वो भी सुलहनीय होते हैं। तो ये सब कंपाउंड हो जाते हैं, लेकिन जो गंभीर प्रकृति के होते हैं वो सुलहनीय नहीं होते हैं, क्योंकि वास्तव में जो भी अपराध होता है वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होता है, समाज के प्रति होता है। तो समाज में एक संदेश भी जाना चाहिए कि इसका जो है कुप्रभाव पड़ता है, इसको सज़ा मिलेगी, दंडात्मक है, और इस तरह की मैसेज होगा और इसमें सज़ा हो गई है तो लोग डर से भी जो है इस अपराध ना करें। इस तरह के मैसेज देने के लिए गंभीर प्रकृति के मामलों को जो हमारी विधायिका है उसने उस सुलहनी नहीं बनाया, तो वैसे नहीं है। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक सिंपल तरीके से जो कोर्ट में केसेस होते हैं उस तरीके से लोग केस करके अपना क्लियर करें और लोक अदालत के थ्रू करें, तो दोनों में आखिर इसमें क्या ज़्यादा फ़ायदा है कि लोग इसमें आए? देखिए, जो भी दीवानी मुकदमे हैं उसमें समय बहुत लगता है, खर्चा बहुत लगता है, और जो किसी की ऊर्जा है तो वो न्यायालय में घूम घूम करके व्यर्थ कर रहा है, धन है उसको भी खर्च कर रहा है। तो अगर प्रेम भाव से कोई मामला निपटता है तो समय बचेगा, लोगों की एनर्जी बचेगी, दूसरे कामों में लगा सकेंगे। न्यायालय पे इस समय बहुत भार है, पूरे हिंदुस्तान में जो है 3 करोड़ से अधिक केसेस लंबित हैं, तो न्यायालय का भी जो है वो समय बचेगा और दूसरे तीसरे जिस जो मामले हैं उनमें समय ध्यान देगा, छोटे मोटे मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे इस तरह से, या दीवानी के मुकदमे जो हैं जो सुलह के माध्यम से निपट जाते हैं तो बाकी मुकदमों पर जो है वो ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरह से कोर्ट के ऊपर प्रेशर कम हो इसका भी ध्यान रखते हैं, और दोनों पक्षों के बीच में जो समन्वय या सामंजस्य स्थापित होता है उससे समाज पर जो अच्छा असर पड़ेगा वो भी होगा। पड़ोसी पड़ोसी का है, भाई भाई का है, इस तरह से होता है। छोटी सी नाली को लेकर के झगड़ा हो गया, छोटे जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ा हो गया, लेकिन लोक अदालत में या समझौते के आधार पे कोई चीज़ होती है तो उसमें हम लोग एक प्रैक्टिकल सलूशन निकालते हैं कि किसी को इस चीज़ की ज़रूरत है, किसी को उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन कभी प्रतिष्ठा का लड़ाई के रूप में जब वो रूप ले लेता है तो ना इसका होता ना उसका होता है, पूरी पूरी चीज़ जो है कोर्ट जो है तकनीकी आधार पे कोई फैसला दे दे रहा है, तो उससे दोनों पक्ष जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो नहीं पाते हैं। और इसमें है कि स्वेच्छा से कर रहे हैं तो कुछ चीज़ त्याग भी कर दिया उन्होंने तो उनको सेटिस्फेक्शन रहता है कि मेरी मर्जी से हुआ है, और फिर उसका फिर बाद में चल के विरोध नहीं करते हैं।
जो दीवानी के मुकदमे रहते हैं उसको अगर देखिए कि किसी परिवार दो परिवार के बीच में झगड़ा हो गया है, तो फिर आगे चल के कोई ना कोई क्रिमिनल केस भी उन दोनों के बीच में हो जाता है। और ऐसे समझौता हो गया तो ये आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ भाई अब हम दोनों में सामंजस्य हो गया है, तो कोई दूसरा तीसरा मुकदमा भी नहीं होगा। तो वस्तुतः एक मुकदमे सुलह होने से दो तीन मुकदमे जो लंबित हैं या जो हो सकते हैं उन सब पे भी असर पड़ता है। अच्छा, जो मामला यहाँ सॉल्व हो जाता है लोक राष्ट्रीय लोक अदालत में, लोक अदालत में जो हो जाता है, तो इसके अगर मान लिया उस फैसला से लोग संतुष्ट नहीं हो, अगर एक बार मतलब अगर दोनों कोई एग्री हो गए, उसके बाद फिर अगर कोई बाद में अगर आगे के कोर्ट पे केस करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं? नहीं, वो आगे केस नहीं कर सकता। उस ये इस ये फैसला नहीं होता है, ये अवार्ड इस तरह से होता है कि समझौते के आधार पे हो रहा है, तो दोनों पक्षों की मर्जी पे होता है। जो लोक अदालत में जो पदाधिकारी बैठे हैं वो कोई अभिनिर्णय नहीं करते हैं, कोई तोल मोल नहीं करते हैं इतने गवाह हैं या ऐसे हुआ, वो समझौते के आधार पे कर रहे हैं और इसकी कोई अपील नहीं होती है। और दूसरी चीज़ कि जो ये अवार्ड बनता है ये इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, ये कोर्ट की डिग्री के बराबर इसकी कीमत है, इसकी वैल्यू है। और जब कोई एक पक्ष मानने से मना करेगा तो दूसरा पक्ष उसके लिए एक्सक्यूशन मूव कर सकता है और उसको मनवा सकता है, बाध्यकारी है दोनों पक्षों के लिए। अच्छा, 11 फरवरी को जो होने वाला है यहाँ पे, उसके लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है? 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत है और राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी चल रही है और हमारे यहाँ भी तैयारी चल रही है बहुत ज़ोरों शोर से। इसमें हर महीने ही राष्ट्रीय लोक अदालत होता है, साल में 10 बार 11 बार होता है, और अभी हम लोग 2 महीने बाद इसको कर रहे हैं। ये निर्देश ऊपर से ही आता है, जो हमारी राष्ट्रीय बॉडी है नेशनल लोक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वहाँ से निर्देश प्राप्त होते हैं। और जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो हमारे यहाँ झालसा है, झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके माध्यम से हम लोग को निर्देश प्राप्त होते हैं। इस बार जो मुकदमे हम लोगों को दिए गए हैं कि किस तरह के मुकदमे करने हैं, उसमें लंबित मामले हैं और दूसरे बैंक के मामले हैं, कुछ और मामले भी हैं छोटे मोटे, तो उस तरह से हम लोग टेकअप कर रहे हैं। जो पेंडिंग केसेस हैं उसी कड़ी में अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बैठक कर रहे थे और विभिन्न लगभग प्रतिदिन हम लोग की बैठकें चल रही हैं, अलग अलग विभाग से, बैंक पदाधिकारियों से, जिला प्रशासन से, पुलिस से, सभी के साथ बैठक कर रहे हैं, तो पक्षकारों को नोटिस दे रहे हैं और सब लोग आ भी रहे हैं। हम लोग को बड़ा सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है सब सभी तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से भी, पक्षकारों की तरफ से भी, तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। लंबित मामलों में हम लोग अभी फॉरेस्ट के जैसे पॉइंट आउट किए थे काफ़ी मुकदमे हैं और हम लोग आधे से ज़्यादा नोटिस भिजवा चुके हैं, ये सब तैयारियां चल रही हैं। बैंक वालों भी करीब हम लोग 60 केसेस तो लगभग तय प्रतीत हो रहे हैं और हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को लाभ दिलाने में सफल होंगे। तो जैसे मोटर एक्सीडेंट के केसेस हैं, इसमें कंपनसेशन होता है, पूरा एक ट्रायल चलने के बाद वही कंपनसेशन हो पाता है लगभग हम लोग देते हैं, जो कि एक सामान्य तरीके से सोच समझ के आदमी कागज़ देख के बता सकता है कि इतनी उम्र है, इतनी आमदनी थी, इतना ऐसा था, परिवार था, इतनी जिम्मेदारियां थी और ये संभावना होती, और ये सब देख करके जो अंदाज होता है कागज़ पूरे हैं, तो वही चीज़ होती है कि अंदाज कर देते हैं इसमें 2 लाख मिलेगा या 5 लाख मिलेगा। पूरा ट्रायल होने के बाद भी देखा जाता है कि अमूमन कि जो शुरुआत में अंदाज था लगभग उतना ही अवार्ड भी होता है। तो बजाय फुल फ्लेज ट्रायल करने के, अगर इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट पर्सन्स जितने भी हैं सब बैठ कर बात करते हैं, तय हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। इसमें हम लोग भी थोड़ी सी मदद कर देते हैं कि भाई ये असेसमेंट हो सकता है, ये हो सकता है, इस लाइन पे आप लोग बातचीत कर सकते हैं। दोनों पक्षकार स्वेच्छा से बात करते हैं, इसमें तो पक्षकारों की मर्जी अनिवार्य है। तो हम लोग ऐसे मुकदमे ले रहे हैं पेंडिंग केसेस पे जोर है, जिसमें कि क्रिमिनल केसेस हैं जो कंपाउंडेबल होंगे और सिविल के सारे ही केसेस हैं। और हम लोग तैयारी के लिए हम लोग अपील के मुकदमे भी टेकअप कर रहे हैं कि अपीलेट स्टेज में भी ऐसा कुछ मुकदमे हो जो सुलह हो सकते हैं, तो 3-4 केसेस वैसे भी हम लोग ने चिन्हित किए हैं। चलिए सर, आप तलाश टीवी को इतना अच्छा जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री पंकज श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गढ़वा, जिन्होंने हमें लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। लोक अदालत का लाभ आप सभी को उठाएं। इसी के साथ यह इंटरव्यू समाप्त होता है। नमस्कार।